हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप यू आर ऑल वेल। आज की वीडियो में हम योर ब्यूटीफुल निटिंग पैटर्न बनाएंगे। योर पैटर्न ओनली 2 रोज का है। वीडियो देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ज़्यादा देर न करते आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहली सिलाई जो मैंने देखी यहाँ पे बॉर्डर के बाद बनाई है, वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए, स्टिच को छोड़कर, ये वाला स्टिच को छोड़कर मैंने यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहली रो, पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागा अपनी तरफ घुमाएंगे और 3 फंदों को एक साथ नीडल पर रखेंगे और 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। यही पैटर्न पूरी रो पर रिपीट होता हो जाएगा। धागे को अपनी तरफ घुमाकर 3 फंदों को पीछे की तरफ से इस तरह से नीडल पर रखेंगे और 1 फंदा बना देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ रखेंगे, 3 फंदों को नीडल पर रखेंगे इस तरह से और 1 फंदा बनाएंगे। फिर से धागा अपनी तरफ रखेंगे, 3 फंदों को एक साथ नीडल पर लेंगे और इस तरह से पीछे की तरफ 1 फंदा बना देंगे। इसी पैटर्न को आप कार्डिगन, श्रग, मफलर, स्कार्प पर डाल सकते हैं। यह डिज़ाइन जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। जो हम यह पैटर्न बना रहे हैं, इसके लिए जो हमने फंदे लेने हैं उसे हम 3+3+3 के मल्टीपल में लेंगे। 2 एक्स्ट्रा स्टिच। रो के आखिर में भी देखिए धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, 3 फंदों को एक साथ पीछे की तरफ से 1 फंदा बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा इसे सीधा बुन लेंगे। पहली सिलाई कंप्लीट करने के बाद चलिए सेकंड रो बनाना शुरू करते हैं। उल्टी तरफ से पहला फंदा स्लिप किया, उसके बाद देखिए लपेटा हुआ फंदा था जो हमारा, और ये बुना हुआ फंदा और लपेटा हुआ फंदा, इन्हें एक साथ इस तरह से नीडल पर लेंगे और एक बार इस तरह से बुन लेंगे। एक बार बुनने के बाद धागा फिर से नीडल पर इस तरह से घुमाएंगे और फिर एक बार बुनेंगे। देखिए 2 फंदों को इस तरह से एक साथ नीडल पर लेंगे, धागा लपेटेंगे और इस तरह से एक बार बुनेंगे। तो वापस से हमारे पास 3 फंदे हो गए हैं। देखिए एक बुना हुआ फंदा और एक लपेटा हुआ फंदा साथ में बुनेंगे, फिर से धागा अपने इस तरह से लपेटेंगे और फिर से बुनेंगे। तो वापस से 3 फंदे हो गए। देखिए एक लपेटा फंदा और 2 बुने हुए फंदे, फिर से एक लपेटा फंदा और एक बुना फंदा इस तरह से साथ में लेंगे, फिर एक बार फिर से धागा लपेटेंगे और इस तरह से बुन लेंगे। वापस 3 फंदे हो गए हैं। बहुत ईजी है। देखिए एक बार दोनों फंदों को साथ में बुनेंगे, फिर लपेटेंगे फंदे को और फिर एक बार फिर से बुनेंगे। तब तक नहीं छोड़ेंगे हम फंदों को जब तक हमारे पास 3 फंदे नहीं हो जाते हैं। देखिए दोनों फंदों को इस तरह से लपेटा हुआ फंदा और बुना हुआ फंदा एक साथ लेंगे, धागा लपेटेंगे और फिर एक बार फिर से बुनेंगे। वापस से हमारे पास 3 फंदे हो गए हैं। यही पैटर्न पूरी रो पे रिपीट होता हुआ जाएगा। रो के आखिर में भी देखिए 3 फंदे रह गए हैं, ये बुना हुआ फंदा और एक लपेटा हुआ फंदा। देखिए इन दोनों फंदों को इस तरह से नीडल पर लेंगे और इस तरह से बुन लेंगे, फिर धागा लपेटेंगे और इस तरह से इसे बुन लेंगे और आखिर वाला जो फंदा है हमारा उसे इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। सो 2 रोज कंप्लीट करने के बाद देखिए पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा है। चलिए 3 फंदों पे मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देती हूँ। 1 फंदा स्लिप किया, उसके बाद धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, 3 फंदों को पीछे की तरफ से इस तरह से एक बना लेंगे। यही पैटर्न जब आपने 2 रो बना दी है उसके बाद भी ही पैटर्न रिपीट होगा। तो आज का वीडियो कुछ इस तरह से था। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। हर हर महादेव।